राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम अवधपुरी में राम भाग 1। ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था, वो कोसल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे, उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वो रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी तीन रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की।
उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूम धाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और
न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, विजय कुमार सिन्हा और सतीश कक्कड़, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।